आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से शुरू हो रहे हर घर तिरंगा अभियान के पहले टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय से लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक करने शहर में तिरंगा पैदल यात्रा निकाली गई। पैदल यात्रा की शुरुआत कलेक्टर कार्यालय से हुई, जो रेलवे स्टेशन, चक्रा तिराहा, अस्पताल चौराहा, सिविल लाइन, सिंधी धर्मशाला होते हुए गांधी चौराहे के पास नजर बाग पहुंची। यहां कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए छात्र छात्राओं और अधिकारियों को शपथ दिलाई। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में टीकमगढ़ में हमने लोगों को जागरूक करने के लिए टीकमगढ़ कलेक्टर कार्यालय से नजरबाग तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली, जिससे लोग जागरूक होकर अपने घर पर तिरंगा लगाएं। अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान, जो कि 13 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है पूरे देश में, हमारे टीकमगढ़ जिले में भी मनाया जा रहा है, तो आज टीकमगढ़ नगर में तिरंगा पद यात्रा लोगों में जागरूकता और प्रचार प्रसार हेतु आयोजित की गई। आप देख ही रहे होंगे, इसमें बहुत भारी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधिगण और विशेष रूप से सबसे ज्यादा उत्साह हमारे स्कूली और कॉलेज के बच्चों में था, वो सम्मिलित हुए और इस अभियान को सफल मनाने के लिए शपथ ली गई कि हम 11 से 13 अगस्त तक अपने घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि जगहों पे राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराएंगे। देखिए, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे देश और प्रदेश में खुशहाली पूर्वक मना रहे हैं। आज इसी तारतम्य में टीकमगढ़ नगर के प्राइवेट और शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मिलकर, उनके स्टाफ ने और यहाँ के सभी शासकीय अशासकीय कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर इस रैली को के माध्यम से संदेश दिया है कि हर घर में अपने प्रतिष्ठानों